नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान भोलेनाथ की और शनिदेव महाराज की एक रोचक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। अपने जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति को शनिदेव की वृत दृष्टि का सामना करना पड़ता है। नवग्रहों में शनिदेव सबसे धीरे चलने वाले ग्रह होते हैं और यह सभी राशियों का भ्रमण करने में 30 वर्ष का समय लगाते हैं। मनुष्य, देवता, दानव, ऋषि मुनि सबको इनकी वक्र दृष्टि का सामना करना ही पड़ता है। यहाँ तक कि दोस्तों, एक बार भगवान शंकर को भी इनकी वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ा था। एक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव भगवान शंकर के घर कैलाश पर्वत पर पहुंचे और शनिदेव ने भोले बाबा को प्रणाम किया। भगवान शंकर जी बोले, बोलो शनिदेव कैसे आना हुआ? तब शनिदेव बोले, प्रभु समय के चक्र के अनुसार कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है, अर्थात कल मैं आपकी राशि में भ्रमण कर दूंगा। शनिदेव की बात सुनकर भोलेनाथ हैरान हुए और पूछा, शनि तुम कब तक मेरी राशि पर रहोगे? तब शनिदेव बोले, प्रभु सवा पहर मेरी दृष्टि आप पर होगी। ऐसा कहकर शनिदेव भोलेनाथ को प्रणाम करके चले जाते हैं। अब महादेव सोचने लगे, मुझे शनि की वक्र दृष्टि से बचना होगा। अगर मुझ पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ी तो देव क्या सोचेंगे? महादेव ने एक योजना बनाई कि कल शनि के आने से पहले ही वह कैलाश छोड़कर मृत्यु लोक चले जाएंगे और कुछ ऐसा ही करेंगे कि शनि की वक्र दृष्टि से वह बच जाए। अगले ही दिन भगवान भोलेनाथ मृत्युलोक में पहुंचे और एक हाथी का रूप धर लिया। हाथी के रूप में महादेव को सारा दिन रहना पड़ा। इधर उधर भटकते उन्होंने जब एक नगर में प्रवेश किया तब वहां के लोग घबरा गए, उन्हें भागने लगे। हाथी के रूप में ही उन्हें जल और भोजन ग्रहण करना पड़ा। सारा दिन बीत जाने पर महादेव ने सोचा, चलो अब पूरा दिन बीत गया है, अब मैं शनि की वक्र दृष्टि से बच गया, अब तो मैं कैलाश पर्वत पर लौटता हूँ। ऐसा सोचकर महादेव ने हाथी का रूप त्यागा और कैलाश पर्वत को लौट आए। कैलाश पर्वत को पहुँचते ही महादेव ने देखा कि शनि देव तो पहले से ही वहाँ मौजूद है। उन्होंने महादेव को देखते ही प्रणाम किया। उन्हें देखकर भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देखा शनि, मैं तुम्हारी वक्र दृष्टि से बच गया हूँ, तुम अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर नहीं डाल पाए। महादेव की बात सुनकर शनि देव बोले, हे प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि से ना देव बच सके हैं, ना ही मानव बच सके हैं और ना ही आप बच पाए हैं। महादेव ने हैरान होकर पूछा, वह कैसे? तो शनिदेव बोले, प्रभु यह मेरी वक्र दृष्टि का ही तो प्रभाव था कि आपको अपना वास्तविक स्वरूप त्याग कर हाथी की योनि में जाना पड़ा, इधर उधर भटकना पड़ा, पशु योनि में ही जल ग्रहण करना पड़ा, अपना निवास स्थान छोड़कर कैलाश छोड़कर जाना पड़ा। जब मेरी दृष्टि आप पर पड़ी उसी पर आप उसके पात्र बन गए। यह सुन महादेव जी मुस्कुराए और शनि देव को गले लगा लिया और बोले, शनि तुम सही हो, मेरे शिष्य कहलाने के योग्य हो। साथ ही यह वरदान भी दिया कि नवग्रहों में तुम्हारा ग्रह सर्वश्रेष्ठ स्थान पर होगा। जीवन में सभी काम करने वाला तुमसे कभी भयभीत नहीं होगा और जल में कमल के समान सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार शनिदेव की दृष्टि का सामना सबको करना पड़ता है, लेकिन जो धर्म के अनुकूल आचरण करता है, दया,
सद्भावना, प्रेम और सुविचार रखता है। वह जीवन में सभी सुख प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाता है, काली वस्तुओं का दान करता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है, पशु पक्षियों को अन्न और जल देता है, चींटियों को आटा खिलाता है और शनि चालीसा पढ़ता है और शनि देव की कथा सुनता है, उस पर शनि देव महाराज की कृपा सदैव बनी रहती है। शनि देव महाराज उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो बोलो शनि देव महाराज और भोले बाबा की जय हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो आपको जल्द ही मिल सके। धन्यवाद।